भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहनों और भाइयों, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल को देने वाले, देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री और नागपुर के लोकप्रिय सांसद और 18वीं लोकसभा के लिए फिर से प्रत्याशी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के भाषण को आपने सुना है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नागपुर लोकसभा चुनाव प्रबंधन प्रमुख विधायक श्री प्रवीण जी दटके, अध्यक्ष भाजपा नागपुर महानगर श्री जितेंद्र कुकड़े, भूतपूर्व विधायक श्री सुधाकर राव देशमुख जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री संजय जी भिंडे, पूर्व महापौर श्री संदीप जोशी जी, पूर्व महापौर श्रीमती मायाताई तांते, पूर्व उप महापौर तथा चुनाव प्रबंधन पश्चिम नागपुर विधानसभा से संदीप जाधव जी, दयाशंकर तिवारी जी, विनोद कन्हरे जी, प्रशांत पवार जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि देश की ऊर्जा की ये भूमि नागपुर में मुझे आप सबके बीच में संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अनेक महापुरुष दिए हैं, महाराष्ट्र के धरा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राजर्षि साहूजी महाराज जैसे पवित्र आत्माओं को देने वाली भूमि है, अनेक संतों को देने वाली भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से, और यहां पर मैं देख रहा हूं उत्तर भारतीय संघ से जुड़े हुए भी पदाधिकारी और काफी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी उपस्थित है। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर, एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी एक ही भजन चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे कि हमारे यहां होली का आयोजन होता है। होली के आयोजन में हर बार एक गाना बजता था, और वह गाना बजता था,
अयोध्या के बारे में कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, लेकिन 500 वर्षों तक, लगभग 500 वर्षों तक रामलला ने अयोध्या में होली नहीं खेली। 500 वर्षों के बाद यह सौभाग्य का अवसर आया जब अयोध्या में रामलला ने भव्य होली खेली और इस बार खेली है। मैं पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, अयोध्या धाम में रामलला के द्वारा जो भव्य होली खेली गई, हमारी पीढ़ियां उसके माध्यम से तरी होंगी, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा होगा। तो हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है। हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपनी आंखों से तरसते, देखने के लिए तरसते थे, वह कार्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अयोध्या में प्रभु रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। आज तो दूरदर्शन के साथ साथ चैनल ने, टेलीविजन ने आपको इतना आसान कर दिया, आपके स्मार्टफोन में अयोध्या का सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा था। और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं और दृश्य हमने देखा। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो ये अवसर आया है, क्या ये कांग्रेस दे पाती, क्या अन्य दल दे पाते, या कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार है, देश के बारे में सोचने वाली सरकार है, आपकी भावनाओं को सम्मान देने वाली सरकार है। मैं भी नागपुर में आया हूं, मैं नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा था, नीचे सड़क, फिर फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो। नागपुर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यह इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन यह परिवर्तन 10 वर्षों के अंदर ही हुआ। बहनों और भाइयों, भारत हजारों वर्ष पुराना देश है, एक सनातन राष्ट्र है। 1947 में आजाद हुआ, अनेक सरकारें आई, लेकिन तब सुरक्षा की बात नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती थी, आस्था की बात नहीं होती थी, तब बातचीत होती थी जाति की, चेहरा देख करके योजना का लाभ दिया जाता था, तब विकास की बात कोई नहीं करता था। आज विकास हो रहा है बिना भेदभाव के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के, सुरक्षा मिल रही है सबको बिना भेदभाव के, चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आज देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट का लाभ, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में शौचालय का निर्माण, और 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर। हर जिला और हर महानगर के बाहर 4 लेन और 6 लेन का रिंग रोड और फ्लाईओवर के साथ साथ देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए इथेनॉल का यहां का मॉडल, ये अपने आप में जो कुछ हुआ है इसका श्रेय बहनों और भाइयों मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय अगर होता है तो आपको जाता है, क्योंकि आपके वोट ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे अपील करने के लिए अपने नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कार्य किया, और आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्री के रूप में जिनकी अपनी एक पहचान है,
यानी राजनीति के एक ऐसे अजात शत्रु जिनके मुंह पे ना शब्द है ही नहीं। गडकरी जी के पास कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो कहेगा कि हमारे यहां ये कार्य होना है, इतने हजार करोड़ लगने हैं। गडकरी जी कहते हैं मैं ठीक है, ये काम हम लोग कर देंगे, हो जाएगा। कभी उन्होंने मना नहीं किया। आज आप देखिए ना, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, प्रयागराज में जितना पैसा मांगा गया, लखनऊ में जितना पैसा मांगा गया उतना पैसा उन्होंने दिया। दिल्ली से मुंबई के बीच में 8 लेन की हाईवे कल्पना थी, आज वो साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, राजनीति का ऐसा आजाद शत्रु जिसके बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करता है, आप सबका सौभाग्य है, आपके सांसद के रूप में आपको उनको चुनने का अवसर प्राप्त होता है। और आपसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से मुझे यहां आना पड़ रहा है, इस बहाने कि मैं आपसे अपील भी कर सकूं, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख सकूं, और फिर आप सबसे से उत्तर प्रदेश के बदलते हुए परिस्थिति के बारे में भी चर्चा कर सकूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी 5 वर्ष 7 वर्ष से पहले? उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश कहते थे ना, उपद्रव होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है यूपी में, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करोगे अब उल्टा टांग दे जाओगे। आज वहां कर्फ्यू नहीं लगता है, आज वहां कावड़ यात्रा निकलती है बड़ी धूमधाम के साथ, धूम धड़ाके के साथ में। और उत्तर प्रदेश से जो पहले प्लान कर रहे थे, वहां का व्यापारी, बेटियां पढ़ने के लिए दूर चली जाती थी, अब वे नहीं प्लान करती हैं, अपराधी वहां से प्लान कर गए, माफिया प्लान कर गए। बहनों और भाइयों, ये जितना कुछ भी हम कर पा रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व है, देश को उनका जो नेतृत्व प्राप्त हो रहा है वह नेतृत्व है ही, उनका मार्गदर्शन है, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, लेकिन इसका श्रेय आपके एक वोट को है। यह वोट सही पार्टी को जाता है तो सुरक्षा मिलती है, गलत पार्टी को मिलती है तो दंगा फसाद और उपद्रव होता है। और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आज पूरे देश के अंदर एक आवाज है, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार लेकिन 400 पार के लिए आवश्यक होगा कि गडकरी जी को 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जिताना है। जिताएंगे, सभी लोग जिताएंगे, लेकिन 5 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जिताने के लिए आवश्यक होगा कि आपको मतदान केंद्र पे जाना होगा और एक एक मतदाता को ले जाना होगा। लेके जाएंगे, सभी लोग सहमत हैं। पीछे तक अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? अरे तो बहुत, काफी लोगों ने दर्शन कर लिया। जो लोग बचे हैं 19 को वोट तब संपन्न हो जाएगा तो अयोध्या दर्शन करने के लिए फिर बाकी लोग आइएगा ना, मुझे पहले से सूचना दे देंगे। अयोध्या में सारी व्यवस्था रहेगी। आप सब 19 अप्रैल को आदरणीय गडकरी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके एक बार फिर से भेजिए, देश के विकास को आगे बढ़ाइए। यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।